नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आरसीएन न्यूज आप सभी दोस्तों को बताने जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा वीडियो एग्जाम जो 22 और 23 दिसंबर को कराए जाएंगे उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। दोस्तों, इसके बारे में आरसीएन न्यूज आज आप सभी को बताएगा कब आएगा, कब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके अलावा एडमिट कार्ड के अलावा आपको आरसीएन न्यूज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताएगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी करें, तो आप हिंदी पे पकड़ अच्छा करिए और जीएस पे पकड़ कर अच्छा करिए। फर्स्ट नंबर हिंदी, सेकंड नंबर जीएस, थर्ड नंबर रीजनिंग। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में 2 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम करवाया गया, जिसमें लड़कों की हिंदी खराब हुई। दोस्तों, लड़के हिंदी में ही मार खाए हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप हिंदी में मार खाएं, इसलिए हिंदी को आप मजबूत करिए। अगर आपका हिंदी और जीएस मजबूत हो गया, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक दे। वो आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने विभाग में ज्वाइन करेंगे, ये आरसीएन न्यूज चैनल का दावा है 101%। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वीडियो एग्जाम में लड़कों की संख्या ज्यादा है जबकि पदों की संख्या कम है। 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और जहां तक हो सकता है कि आपका सेंटर आपके जिले में ही बनाया जाए, यह 90% चांस है कि आपके जिले में ही आपका सेंटर होगा। लड़कों की संख्या ज्यादा होने के कारण स्कूल भी ज्यादा होना चाहिए जिससे आपका सेंटर बनाया जा सके, आपको एग्जाम देने का व्यवस्था किया जा सके, आपका एग्जाम हो सके। इसके लिए हो सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आपको अपने जिले में ही एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, दूसरी बात आपको मैंने बताई, आइए हम तीसरी बात आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने रूल को भी चेंज किया है, जिसमें आपको ओमास सीट मिलेगी, आपको पेपर भी मिलेगा, लेकिन आते वक्त आप पेपर घर नहीं ले जा सकते। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसलिए आप ओमार सीट के साथ हो सकता है आपको कार्बन कापी मिले, और कार्बन कापी और से मिलेगा, कार्बन कापी अपने घर लाइएगा और आपका जब आंसर की आएगा उस कार्बन कापी से आप आंसर की को आप उस कार्बन कापी को आप आंसर की से मिलाइएगा और आप अपने अंकों का आकलन कीजिएगा आपका कितना नंबर से। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गाढ़ा करके थोड़ा गोला करिएगा जिससे आपका जो है कार्बन कापी पे आपका प्रिंट हो सके, जो आप गोला करेंगे नीचे उसका छाप पड़ सके। मेरा कहने का तात्पर्य है जिससे आंसर की से मिलाते वक्त आपको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि आप कंफ्यूज होंगे ए सही है कि ए सही है, कौन सा सही, ए सही है कि बी सही है कि डी सही है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप गोले को ज्यादा गाढ़ा करके करें और मोटे पेन का यूज करें, बाल पेन, काले बाल पेन, मोटा पेन, जो मोटा लिखने में आए उसी का जो है आप यूज करें। दोस्तों, आपको मैंने तीसरी बात बताई, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कब जारी करेगा वीडियो एग्जाम जो 22 और 23 दिसंबर को होने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड। दोस्तों, उसका एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मन में भी सवाल होगा, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप 14 तारीख रात या 15 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 14 तारीख रात से या 15 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके साइट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के साइट पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 14 और 15 तारीख को। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता रहूं, उपलब्ध कराता रहूं।
और आपका आरसीएन न्यूज चैनल पर विश्वास बना रहे। दोस्तों आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।